लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचे। वहां उनका फूल मालाओं और गुलदस्तों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ग्वालियर चंबल से मेरा गहरा नाता है और ये राजनीतिक और सामाजिक रूप से परिवर्तन की दिशा में बढ़ रहा है। ग्वालियर चंबल में लोकतांत्रिक संस्थाओं ने सशक्त और मजबूत रूप से काम किया है और अभी भी कर रही है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने ये भी कहा कि लोकतंत्र के प्रति यहाँ के लोगों में विश्वास है। सभी लोग सामूहिक रूप से मिलकर लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करते हैं। इसके अलावा ओम बिरला ने संसद के डिजिटलाइजेशन की भी बात कही। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। संसद और राज्य की विधानसभाओं ने ई पार्लियामेंट के लिए व्यापक रूप से काम हो रहा है। संसद में हमने पूरी संसद को डिजिटलाइजेशन करने का काम किया है ताकि हमारे जनप्रतिनिधि ज़्यादा से ज़्यादा सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर ज़्यादा से ज़्यादा जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। अभी कुछ दिनों पहले मैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश भी गया था। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी डिजिटल विधानसभा की ओर कदम बढ़े हैं। इसके एक अपेक्षित परिणाम आएंगे, जहां पर जनताओं को सूचनाएं त्वरित गति से पहुंचेगी, वहीं जनता के आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने का एक माध्यम डिजिटल तरीके से भी होगा। क्योंकि डिजिटल होने से जहां लोगों से संवाद जल्दी होगा, वहीं उनकी समस्याएं, उनके अभाव, उनकी चिंताएँ माननीय जनप्रतिनिधि के पास पहुंचेगी और उन जनप्रतिनिधि उन समस्याओं को सदन में रखकर उनकी आकांक्षा अपेक्षाओं को पूरा करने का काम करें। जहां लोकसभा अध्यक्ष ने ई संसद की बात पर जोर दिया, वहीं जब ज्ञानवापी विवाद के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और कहा कि अदालत का मामला है और इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। न्यूज डेस्क, समाचार प्लस।